हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यहाँ पर धान आ गया था खेतों से, जो आज हम रात में उसा रहे हैं। हम हैं, हमारे दोनों बच्चे हैं, पति देव मेरे, चारों लोग मिलकर उसा कर आइए। सुबह हो गई है, आप लोगों को खूब प्यार भरा गुड मॉर्निंग दोस्तों। यहाँ पर देखिए, रात को इतना सारा धान था जो उसा दिए हैं, उसा कर 9-10 बज गया था। इसका जो कूड़ा है, तभी सुबह सुबह नीचे का सारा काम कर लिए हैं। भैंस के यहाँ जो गोबर वर उठाकर डालना रहता है, वो डालकर झाड़ू सब कर दिए हैं। आ गए हैं छत पर, क्योंकि पहले मुझे नहाना है, तो इसीलिए सोच रहे हैं कि जो इसमें का कूड़ा निकला है वो उठाकर नीचे झाड़ू लगा देंगे तो साफ हो जाएगा। फिर नहीं तो नहा कर आएंगे तो फिर से नहाना पड़ेगा दोबारा से, तो इसीलिए जो ये उठाकर साफ कर नीचे गिरा देंगे तो नीचे ले कर नहीं जाना पड़ेगा, छत पर से गिरा देंगे, नीचे भी डाल देंगे। यहाँ पर बोरी में भर भर कर डाल रहे हैं, और मेरे दांतों में बहुत तेज़ी से दर्द है, क्योंकि आज मुझे दवा के लिए भी जाना है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी निपटा कर बच्चों का भी टिफिन बनाना है, उन लोगों को खाना बना कर उसके बाद सारे काम फिनिश कर निकल जाएंगे दवा के लिए। सो दोस्तों, मेरे दांतों में इतना दर्द है, जा रहे हैं दवा लेने, देखते हैं अगर क्या डॉक्टर साहब बताते हैं वैसा ही करेंगे। बहुत तेज़ी से दर्द कर रहा है, पहले 15-20 दिन से इतना परेशान है, उधर तो थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा था, मैं इस समय लगातार रातों दिन पूरा दर्द कर रहा है, और सारा काम कर और जा रहे हैं। समय पूरा 12 बज गया है, चलते हैं देखते हैं डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं। इधर उधर नहीं, और ये वाला दर्द कर रहा है यहीं पर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम निकल आए हैं अपने पति देव के साथ, देखते हैं दांतों में मेरी क्या दिक्कत है। मान लीजिए 15 या 20 दिनों से लगातार दर्द कर रहा है। जब करवा चौथ का हम व्रत थे, तो उस दिन भी एक दिन पहले दवा खाए थे, मगर पूरा बिल्कुल आराम नहीं था। अगर सोच रहे थे कि थोड़ा सा दवा खा लेंगे तो व्रत वाले दिन अच्छा से मेरा ठीक से रह जाएंगे, मगर चलिए वो भी कुछ नहीं हुआ। मगर माता रानी की कृपा से मेरा करवा चौथ वाले दिन भी अच्छा से ही गया, मगर थोड़ा मोड़ा दर्द था। उसके बाद से लगातार रातों दिन दर्द कर रहा है, और दर्द मुझे पूरा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं दांतों वाला क्लिनिक, देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। उससे भी पहले आए थे तो या पेस्ट दे दी थी और खाने के लिए दवा, तो उससे नहीं हो सही हो पाया, तो आज लगता है कि दांत मुझे निकलवाना ही पड़ेगा। और त्योहार आ गया है पूरा सर पर, और ये वीडियो है 3-4 दिन पहले का, मगर आज दांत उस दिन गए थे मेरा निकल गया था। देखिए यहाँ पर गए हैं, एक भैया का दूसरे का निकल रहा है दांत, तो उसके बाद मेरा नंबर आएगा। तो पहले तो यहाँ पर हम देखिए बैठ गए, इंजेक्शन लगाएंगे सुन करने के लिए। यहाँ पर दांतों में मेरे डॉक्टर साहब अब लगाएंगे इंजेक्शन सुन करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर मेरे दांतों में इंजेक्शन लग गया है, और लग रहा है सुन हो गया एक तरफ से। अंदर से देखिए अब चेहरा थोड़ा थोड़ा एक तरफ से यहाँ सूज गया है। आधा घंटे के बाद मेरा दांत निकालेंगे, अब आधे घंटे बाद इंतज़ार करना है। आधे घंटे बाद दोस्तों यहाँ पर बैठ गए हैं, और अब निकालेंगे मेरे दांत डॉक्टर साहब। दांत निकालते समय तो कोई वीडियो शूट नहीं हो पाया। यहाँ पर दोस्तों दांत निकलवा कर और दवा लेकर और चल दिए हैं घर, और मुझे कुछ बोलना नहीं है। एक काटन का रुई में दवा लगाकर और डाल दिए हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 1 घंटे बाद घर जाना है, इसे निकाल कर उसके बाद दवा पीना है। और देखिए एक तरफ का मेरा चेहरा पूरा सूज गया है,
देखते हैं कब तक ठीक होगा। और यहाँ पर रास्ते में कुछ नहीं, नहीं बोले न कुछ, एकदम घर जाकर एक घंटे बाद जब हो गया तो दवा पीकर तब उसके बाद कुछ किए हैं। यहाँ पर दोस्तों घर आ गए हैं और उसके बाद एक घंटा हो गया है तो चलते हैं दवा पीने। दवा पी के कुछ देर बाद रेस्ट करेंगे। शाम भी हो गया है, खाना भी बनाना है, मगर क्या करें, पूरा जब सर नीचे कर रहे हैं तब दर्द कर रहा है। और जानते हैं जब ये लास्ट वाला दांत हम निकलवाए हैं उसके लिए और थोड़ा सा सून का सुई लगवाए हैं तो लगा है तो दोनों बड़ा दर्द कर रहे हैं। मगर जो 3 घंटे बाद दर्द करेगा, मगर कोई बात नहीं, दर्द का दवा है, खा लेंगे तो आराम मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं अपने लिए कुछ क्या बनाते हैं। देखिए यहाँ पर निकल गया, निकलवा दिए हैं, आ गए हैं घर। अब दर्द करने लगा है, सून का सुई लगा था तो दर्द नहीं कर रहा था, मगर अब दर्द कर रहा है, यहाँ पर पूरा सूज गया है। बोला भी नहीं जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर बना रहे हैं अपने लिए खीर, और ये दूध है, थोड़ा सा चावल एकदम पतला सा गला कर बनाएंगे जब आप पी लेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब कहें कि अब हलवा या खा सकते हैं या खिचड़ी खाइए, पतला लिक्विड वाला कोई भी चीज़ खाइए, ज़्यादा आपको कुछ नहीं खाना है, गर्म चीज़ नहीं खाना है, सिर्फ ठंडा खाना है। यहाँ पर सब्जी बना रहे हैं, निधि को बोल देंगे आटा सान लगा देगी तो रोटियाँ सेक देंगे।